अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सालविया प्लांट के बारे में ये बताऊंगी कि हम फ्लावर खिलने के बाद इसमें से सीड कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। सालविया प्लांट जो है, इसकी पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिखाई थी। और सालविया प्लांट जो है, ये असल में विंटर सीज़न का फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें बहुत खूबसूरत ये फ्लावर निकलते हैं, खिलते हैं इसके। और इसमें कई कलर होते हैं फ्लावर के, लेकिन मेरे पास ये रेड कलर का सालविया का प्लांट है। और इसमें से अब हम सीड कैसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। जब ये फ्लावर खिल चुके होते हैं ना, ये फ्लावर आपको नज़र आ रहा है, तो ये जब ड्राई हो जाते हैं, जैसे ये आपको ये नज़र आ रहा होंगे ना, ये ड्राई हो, तो इसमें सीड बन जाते हैं। अब ये भी एक पौधा है, ये देखिए, इसमें मैंने ये छोड़ दिया है। असल में ये होता है कि जब ये फ्लावर खिल जाते हैं ना, तो सूखने के बाद ये खुद ही झड़ भी जाते हैं। तो लिहाजा इसमें जो लगे हुए हैं ना, उससे मैं सीड बताती हूँ कि आप किस तरीके से सालविया के फूलों से सीड हासिल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा है। असल में इसके सीड अगर आप कलेक्ट करके रख लेंगे ना, तो इस पे फ़ायदा ये होगा आपको कि नेक्स्ट सीज़न के लिए आप इसको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसको आप सीड्स के ज़रिए उगा सकेंगे। अब हम सीड जब कलेक्ट कर लेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे हम इसे सीड्स को। या तो हम वुड ऐश में भी सीड कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसको फंजीसाइड कोई पाउडर लेकर उस पर भी कर सकते हैं, या फिर हम हल्दी में भी कर सकते हैं। क्योंकि ये हल्दी और ऐश, वुड ऐश जो है ना, ये एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी फंगल भी है, तो सीड्स को फंगस नहीं लगेगा और बैक्टीरिया नहीं लगेगा। तो ये लिहाजा हम इसको इसमें सेव करके रख लेंगे, और नेक्स्ट सीज़न में हम तकरीबन अक्टूबर नवंबर में इसके सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें प्लांट हासिल हो जाएंगे और हमें बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि हम इसके सीड्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको ड्राई फ्लावर नज़र आ रहे हैं ना, मैं इसे तोड़ लूँगी और तोड़ के इसमें से सीड्स निकाल लूँगी। ये देखिए, ये सीड देख रहे हैं ना, ये ड्राई हो चुका है। और इसी तरह एक और सीड है, सीड कह रही हूँ, फ्लावर ड्राई हो चुका है। अब दूसरा भी मैं फ्लावर इसमें से निकाल लूँगी जो ड्राई हो गया। तो और ये फ्लावर भी निकाल लूँगी, ये जो ड्राई हुआ है ना, ये ड्राई हुआ फ्लावर। इसके अलावा भी और अगर हैं तो मैं निकाल लेती हूँ। इसके चार एक और भी है, वो भी निकाल लेती हूँ। ये देखें, ये वाला फ्लावर है, ये ड्राई हुआ, ये भी मैंने निकाल लिया। ये ड्राई जो फ्लावर हैं, इसमें ये आप देख रहे होंगे, वो सारे सीड भी गिर। चले मैं अभी आपको इसको कलेक्ट करके बताती हूँ सीड को। इसको तोड़ के जो फ्लावर आपको नज़र आ रहा है ना, देखें, चले मैं अभी आपको फ्लावर, वो सीड भी इसके जो थे ना, जो निकाले वो भी, चले मैं दिखाती हूँ आपको। आप ये देख रहे होंगे, देखें, अब मैं इसकी फली जो है ना, ये तोड़ लेती हूँ, फ्लावर जो है ये तोड़ लेती हूँ, इसमें से ये सीड निकल आएंगे। और ये कुछ सीड निकले भी हैं इसमें, देखें, ये देखें, पता चल रहा है ना, ब्लैक ब्लैक जो है, ये इसके सीड है। अब आप देखें, ये जो है ना, और भी हैं इसमें, मैं भी निकालती हूँ उसको। ये देखें, ये ब्लैक जो नज़र आ रहा है ना आपके, ये सीड है इसके। अभी क्योंकि फ्लावर जो थे ना, वो ड्राई होने के बाद झड़ गए, तो अभी इतने इसमें ड्राई फ्लावर नहीं थे इसमें। देखें, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा,
ये इसमें ड्राई अभी फ्लावर है नहीं, तो चले मैं जो है वो उसको आपको बता देती हूँ कि ये जो ड्राई फ्लावर को निकाला हमने और इसको तोड़ लिया, तोड़ने के बाद इसमें से ये सीड निकला है। अब हम इस सीड को क्या करेंगे कि ये हम सेव करके रख लेंगे और अगले सीज़न में हम इसके लगा लेंगे। तो ये बहुत सारे सीड्स तो नहीं निकले हैं क्योंकि ये ड्राई होकर गिर गए, कुछ नीचे गिर गया जो मैंने निकाले थे। बहरहाल आपको ये नज़र आ रहा होगा ना, ये देखें ये ब्लैक जो नज़र आ रहा है ना, ये सीड है, ये सीड है। तो ये ड्राई फ्लावर्स में से आप सीड को कलेक्ट करके और इनको सेव करके रख लें और फिर इनको उगा लें, तो आपको ये देखते ब्लैक नज़र आ रहे होंगे ना, ये सीड है। तो ये देखें आप, ये इससे आप फिर ये पौधे उगा सकते हैं और इससे बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा कि हम सालविया के फ्लावर से सीड कैसे हासिल कर सकते हैं। चलें अगले किसी अच्छी वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।